यस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन अन अकेडमी सेपियंस। यस स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस यस स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर? यस बच्चों, सेशन स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन है बच्चों मेगा क्विज ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों मेगा क्विज ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट संडे को कॉम्बैट एग्जाम है बच्चों, संडे 11 AM पर आप लोगों का कॉम्बैट एग्जाम है। तो बच्चों एक इनऑर्गेनिक का MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट आज के सेशन में इनऑर्गेनिक का MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ओके यस। और स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट द स्टूडेंट, हैप्पी गांधी जयंती बच्चों। हैप्पी गांधी जयंती आज 2 अक्टूबर है बच्चों। ये NaCl, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू टुडे। बच्चों जैसा अभी आप करोगे वैसा आपका फ्यूचर होगा बच्चों, जैसा अभी आप करोगे वैसा आपका फ्यूचर। यस हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। एक बार सेशन को यस चित्रान, समीर, प्रिया प्रिया मिश्रा, कमल। यस बच्चों सेशन स्टार्ट करें। स्टूडेंट आज का सेशन बच्चों, माइसेल्फ रमेश शारदा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर, मोर देन 21 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर इन कैरियर पॉइंट कोटा बच्चों, 9 ईयर इन LN कोटा, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों मेंटर ऑफ मोर देन 20,000 डॉक्टर और मेंटर ऑफ AIR 1 लोकेश अग्रवाल। स्टूडेंट यूज कोड शारदा सर फॉर गेटिंग 10% ऑफ। बच्चों जब भी अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करना हो या कुछ भी आपको कॉम्बैट देना हो, यूज कोड शारदा सर फॉर 10% ऑफ। ओके चलिए स्टूडेंट, मेरा अब यूट्यूब पर बच्चों जो सेशन होगा MWF डेज में बच्चों, अब ये टाइम फाइनल टाइम है, फिक्स टाइम है स्टूडेंट। स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से ये टाइम सेट हुआ है यूट्यूब बच्चों, अन अकेडमी सेपियंस यूट्यूब पर मेरी क्लास अब होगी बच्चों MWF, और 12 PM पर बच्चों क्लास होगी, और इसमें अपन पीरियोडिक टेबल टॉपिक कवर करेंगे बच्चों, इसमें पीरियोडिक टेबल टॉपिक कवर करेंगे। ओके और बच्चों एक फ्री स्पेशल क्लास ये अन अकेडमी पर होगी बच्चों, फ्री स्पेशल क्लास अन अकेडमी पर, और स्टूडेंट इसमें टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग बच्चों। ये डेज मैंने फिक्स कर दिए, MWF 10 PM और बच्चों TTS 12 PM। स्टूडेंट ये टाइम है अपना यस केमिकल बॉन्डिंग का स्पेशल क्लास का। यस बच्चों स्टूडेंट, एक हम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट बैच बच्चों, सुपर अचीवर बैच, जिन स्टूडेंट का टारगेट बच्चों नीट 2022 है उसके लिए बच्चों सुपर अचीवर बैच। इसमें सारे एजुकेटर बच्चों 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का बच्चों कवर होगा। तो स्टूडेंट को एडवाइस है सुपर अचीवर बैच में बच्चों इनरोल करिए, और स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करते समय कोड शारदा सर बच्चों, AKM सर फिजिकल केमिस्ट्री, SKC सर ऑर्गेनिक, PJ सर फिजिक्स, और बच्चों मैं IOC, AG सर जूलॉजी, और बच्चों संदीप नोडियाल सर बॉटनी, बच्चों 6 एजुकेटर मिलकर बिल्कुल आपको बेसिक टू एडवांस लेवल। और स्टूडेंट हम लोगों का एम रहेगा आपके मार्क्स ग्रेटर देन 650 नीट 2022 में आए बच्चों। एक परफेक्ट बैच है ये, परफेक्ट बैच है जिससे आप नीट 22 को बच्चों क्रैक कर सकते हैं। ओके यस। और स्टूडेंट एक मेरा सुपर अचीवर कोर्स ऑन मेटलर्जी बच्चों, ये प्लस कोर्स है, ये कल से स्टार्ट हुआ है बच्चों, सुपर अचीवर कोर्स ऑन मेटलर्जी। जो स्टूडेंट प्लस पे हैं बच्चों उनके लिए बहुत बेस्ट बैच। और स्टूडेंट एक पी ब्लॉक बच्चों, ये 12th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हार्ड टॉपिक है बच्चों। ये पी ब्लॉक का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है TTS डेज में 9 PM पर बच्चों। ये प्लस कोर्स है, ये दोनों प्लस कोर्स है। यस। और स्टूडेंट एक अन अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट परफेक्ट पार्टनर फॉर नीट UG।
बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडिया बेस्ट टीचर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, एवरीथिंग बच्चों। और स्टूडेंट आज के सेशन में बच्चों जब भी अनअकैडमी को कुछ भी सब्सक्राइब करना हो, कोड शारदा सर 10% रिबेट एंड राइट मेंटरशिप। और न्यू आइकॉनिक के बच्चों बहुत बेनिफिट, प्लस सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंटरिंग, अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स, एवरीथिंग। और स्टूडेंट आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों कल 11 AM पर अनअकैडमी कॉम्बैट है, बच्चों कल 11 AM पर अनअकैडमी कॉम्बैट। और फर्स्ट टू थर्ड रैंक को बच्चों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 100% फ्री। और बच्चों 4-10 रैंक को 75% स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप। और बच्चों कल ये कॉम्बैट एग्जाम 11 AM पर सभी देना। और स्टूडेंट आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो और सेशन को अपन स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिन स्टूडेंट ने NEET 21 का बच्चों फॉर्म फिल किया था, बच्चों NEET 21 बच्चों फिलिंग अप सेकंड पेज कर, सेकंड पेज बच्चों NEET UG 2021 का सेकंड पेज का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है बच्चों। और करेक्शन इन फर्स्ट पेज, बच्चों फर्स्ट पेज में आपके कोई करेक्शन है या सेकंड पेज का बच्चों रजिस्ट्रेशन सभी को करना है। सेकंड पेज का बच्चों रजिस्ट्रेशन है, ये रीनीट एग्जाम नहीं है बच्चों, जस्ट आपका सेकंड पेज का, सेकंड पेज में बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है, इंफॉर्मेशन बच्चों अपनी फिल करनी है। ओके और स्टूडेंट इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर, बच्चों लास्ट डेट 10 अक्टूबर। तो स्टूडेंट को एडवाइस दूंगा बच्चों ये 1-2 दिन में आप फिल कर लें, बच्चों आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें, 1-2 दिन में कर लें। और बच्चों साथ ही साथ आपका फर्स्ट पेज में बच्चों जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें कोई करेक्शन है तो बच्चों आप करेक्शन कर सकते हो। स्टूडेंट विदाउट सेकंड पेज रजिस्ट्रेशन, बच्चों विदाउट सेकंड पेज रजिस्ट्रेशन नीट का रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चों विदाउट सेकंड पेज रजिस्ट्रेशन नीट का रिजल्ट नहीं आएगा। और जिन स्टूडेंट के फर्स्ट पेज में बच्चों कोई भी करेक्शन है, चाहे जेंडर में, नेशनलिटी में, ईमेल एड्रेस में, बच्चों कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल फॉर क्लास 11th and 12th ड्यूरिंग दिस पीरियड, बच्चों जो भी आपका करेक्शन है वो बच्चों करेक्शन कर लो, ये लास्ट चॉइस है, इसके बाद में बच्चों रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यस और स्टूडेंट इसको सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन करते समय कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं देना है बच्चों, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, जस्ट साइबर कैफे पे जाके बच्चों ये अपनी सेकंड सेट की इंफॉर्मेशन करिए। इन द एब्सेंस ऑफ फिलिंग अप इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड पेज, बच्चों अगर कोई सेकंड पेज का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो उसका कैंडिडेचर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, वो नीट की फर्दर काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, सेकंड नीट सेकंड रजिस्ट्रेशन जरूर करना। ओके यस चलिए बच्चों अब अपन सेशन स्टार्ट करें। स्टूडेंट आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे मेगा क्विज ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों रेडी है, एक बार सेशन को लाइक करें फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों सर अगर ड्रॉपर है फिर भी करना है क्या? यस स्टूडेंट, बच्चों अगर आप चाहते हो आपका रिजल्ट हो, भले ड्रॉपर हो बच्चों, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर लो। बच्चों आप ड्रॉपर हो या कोई भी हो, आप फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों रजिस्ट्रेशन कर लो। ओके चलिए स्टूडेंट आज के सेशन में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 22-23 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों MCQ डिस्कस करेंगे, MCQ। और संडे को बच्चों कॉम्बैट एग्जाम है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बच्चों संडे को जो कॉम्बैट एग्जाम है उसका एक तरह से बच्चों प्री कॉम्बैट मेगा क्विज हो रही है बच्चों, प्री कॉम्बैट मेगा क्विज। ओके चलिए यस सर 608 मार्क्स से हो जाएगा? बिल्कुल पवन यादव, अगर तुम्हारे नीट में 618 मार्क्स है तो 100% इंडिया में MBBS मिलेगा। बिल्कुल पवन मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन पवन। ओके चले बच्चों अब अपना सेशन स्टार्ट। स्टूडेंट ये रहा पहला क्वेश्चन, बच्चों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनायन, बच्चों इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज नॉट सेम एज दैट ऑफ ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। बच्चों चैट बॉक्स में आंसर दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज नॉट सेम एज दैट ऑफ ग्रुप नंबर।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। संध्या, ऐश्वर्या, मिश्रा, यस, एक सिजिन ने डी आंसर दिया है। स्टूडेंट एक बात बताओ, MnO4 माइनस, बच्चों Mn की x, 4 ऑक्सीजन की माइनस 8, x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, बच्चों x इक्वल टू 7। इस एग्जांपल में मैग्नीज की 7 है, बच्चों इसको सॉल्व करोगे क्रोमियम 6 है, यहाँ वेनेडियम 5 है और बच्चों यहाँ Fe की 6 है। तो स्टूडेंट इन विच ऑक्सो एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट इक्वल टू ग्रुप नंबर। एसपी सिंह सर इनऑर्गेनिक जीरो है, जीरो से पढ़ा दो। अरे एसपी सिंह अपन आज तो बच्चों अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, वैसे अपन जीरो से पढ़ा रहे हैं बच्चों। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल की बच्चों 3-4 क्लास ली है, जो भी नए स्टूडेंट है बच्चों पीरियोडिक टेबल की 3-4 क्लास देखिए। पीरियोडिक टेबल की यूट्यूब पर बच्चों 3-4 क्लास अवेलेबल है, उसको देखिए। अब स्टूडेंट मुझे बताओ ये क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe। अब स्टूडेंट स्कैंडियम का ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, क्या स्टूडेंट इन दिस केस क्या ग्रुप नंबर इक्वल टू OS? बच्चों यहाँ तो ग्रुप नंबर इक्वल टू OS है। Fe का ग्रुप 8 है, बच्चों Fe का ग्रुप 8 है बट ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। ओके यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों नंबर 2 मेटलर्जी पर बेस क्वेश्चन है, बच्चों नंबर 2 मेटलर्जी पर बेस क्वेश्चन। जानते हो बच्चों ओर के फॉर्मूले अर्जेंटाइट, बच्चों अर्जेंटाइट आप लोगों ने सुना हो, सिल्वर का वेरी इंपॉर्टेंट ओर। बच्चों चैट बॉक्स में आंसर लिखो, मिश्रा, ऐश्वर्या, सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर लिखें। अर्जेंटाइट बच्चों पहले का आंसर, यस स्टूडेंट, यस स्टूडेंट अर्जेंटाइट जो होता है ना बच्चों चित्रांश, बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सी है। अर्जेंटाइट स्टूडेंट सल्फाइड ओर है, बच्चों अर्जेंटाइट है ना, अर्जेंटाइट Ag2S है, दिस इज सल्फाइड ओर। बच्चों पहले का आंसर 4। और स्टूडेंट कार्नेलाइट तो सबने सुना होगा, कार्नेलाइट बच्चों कार्नेलाइट पोटेशियम का है। स्टूडेंट कार्नेलाइट क्या होता, KCl, यस कार्नेलाइट बच्चों KCl MgCl2.6H2O है। बच्चों ये कार्नेलाइट क्लोराइड है। 4 का आंसर 1, बच्चों 4 का आंसर 1। और स्टूडेंट क्यूपराइट कॉपर का ओर है, क्यूपराइट बच्चों ऑक्साइड ओर है। तो स्टूडेंट आंसर ये। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन, यस स्टूडेंट ये क्वेश्चन करो, ए रेड सॉलिड, बच्चों एक रेड सॉलिड है इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट रेड सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर, बच्चों रेड को रेड सॉलिड है आपके पास इनसॉल्युबल इन वाटर, KI मिलाते सॉल्युबल हो जाएगा और बच्चों हीट करोगे वायलेट वेपर मिलेगा एंड ड्रॉपलेट ऑफ मेटल। बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ड्रॉपलेट ऑफ मेटल। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है ड्रॉपलेट ऑफ मेटल, बच्चों स्टूडेंट इस कंपाउंड को हीट करूंगा Hg along with iodine और स्टूडेंट इसको हीट करूंगा Hg along with O2। स्टूडेंट ये दो आंसर रॉन्ग। स्टूडेंट आप जानते हो मरकरी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, बच्चों मरकरी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ये मरकरी तो बच्चों लिक्विड, क्या O2 का कोई कलर है क्या, क्या बच्चों O2 का कोई कलर है क्या, O2 का कलर नहीं है। आयोडीन तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, आयोडीन का स्टूडेंट वायलेट कलर होता है। बच्चों आयोडीन का कैसा कलर है, वायलेट कलर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट H2O2 एक्ट एज ए, स्टूडेंट जानते हो H2O2, स्टूडेंट H2O2 जो है इसमें ऑक्सीजन की OS -1 है। बच्चों H2O2 कैसा होता है, OA के RA, H2O2 स्टूडेंट OA होता है के RA होता है।
H2O2 बच्चों एक्ट एज ए यस बच्चों H2O2 एक्ट एज ए OARA दोनों होता है, इंटरमीडिएट OS है, OARA दोनों है। स्टूडेंट मीडियम का कोई रोल नहीं है बच्चों, बेसिक मीडियम हो या एसिडिक मीडियम, बच्चों मीडियम का कोई रोल नहीं। तो आंसर स्टूडेंट बोथ होगा, आंसर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड, बच्चों अमंग ऑल दिस एसिडिक कौन है, एसिडिक स्टूडेंट जानते हो एसिडिक ऑक्साइड, स्टूडेंट इतना कंफर्म है बच्चों मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, मेटल ऑक्साइड बच्चों क्या होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब स्टूडेंट यहां पे एसिडिक कितने हैं, चैट बॉक्स में आंसर दो बच्चों, हाउ मेनी एसिडिक ऑक्साइड, सेजेन अमृता 5। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये कार्बन नाइट्रोजन, स्टूडेंट कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बट स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट CO बच्चों CO N2O और NO, स्टूडेंट ये चीज आपको याद रखनी है, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड बच्चों, ये नॉन मेटल होते हुए भी दे आर न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट ये रॉन्ग बच्चों, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट आंसर 5 जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, केमिस्ट्री में नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, क्या ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, क्या स्टूडेंट ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, नो बच्चों CO N2O NO स्टूडेंट ये जो भी न्यूट्रल ऑक्साइड है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बच्चों, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड नो अफेक्ट ऑन लिटमस स्टूडेंट, इनका लिटमस पे भी कोई अफेक्ट नहीं बच्चों, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, डज नॉट फॉर्म एनी एसिड। अब स्टूडेंट आंसर दोगे Cl2O7 प्लस वाटर, बच्चों चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिखो Cl2O7 प्लस वाटर, Cl2O7 प्लस वाटर विच एसिड फॉर्म, बच्चों हर्षित फरीन प्रिया यस बच्चों Cl2O7 प्लस वाटर, यस वेरी गुड हर्षित, बच्चों Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है और यहां HClO4 बनेगा बच्चों HClO4, एक्चुअली स्टूडेंट यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है बच्चों, SO3 प्लस वाटर क्या बनेगा, SO3 प्लस वाटर SO3 स्टूडेंट ये तो सबको ही मालूम होगा बच्चों, SO3 प्लस वाटर सल्फ्यूरिक एसिड, और बच्चों SO2 प्लस वाटर सल्फ्यूरस एसिड, और एक वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों NO2 प्लस वाटर, बच्चों NO2 प्लस वाटर, किसी स्टूडेंट ने सुना हो बच्चों NO2 मिक्स एनहाइड्राइड है, NO2 में वाटर मिलाओगे बच्चों HNO3 और HNO2 बनता है स्टूडेंट, NO2 इज मिक्स एनहाइड्राइड बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, NO2 इज मिक्स एनहाइड्राइड स्टूडेंट, इसमें HNO3 भी बनेगा HNO2 भी बनेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या कलर ऑफ दिस कंपाउंड चेंज ऑन एडिंग एथिलीन डाइएमीन, क्या बच्चों कलर ऑफ कंपाउंड चेंज, स्टूडेंट ये मेरे पास कंपाउंड है NiH2O होल 6+2, क्या स्टूडेंट इसके अंदर मैंने EN मिलाया तो क्या कंपाउंड का कलर चेंज होगा, स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है एवरी कंपाउंड हैज डिफरेंट कलर बच्चों, यहां वाटर लिगेंड है यहां EN लिगेंड है, एवरी कंपाउंड हैज डिफरेंट कलर, कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, तो बच्चों यहां तो कलर चेंज होगा स्टूडेंट, और CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज हायर देन, बच्चों CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज हायर देन टेट्राहेड्रल, ये बात भी बच्चों सही है, Δt = 4/9 ऑफ Δo, और स्टूडेंट आपको याद हो
ये कोबाल्ट प्लस थ्री है और स्टूडेंट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ऑक्सलेट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्टूडेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर सेकेंड। स्टूडेंट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्टूडेंट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग होगी और बच्चों पेयरिंग होते ही एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों क्वेश्चन क्लियर तो सेशन को लाइक करें। एक्चुअली स्टूडेंट ऑक्सलेट वीक लिगेंड है, बच्चों ऑक्सलेट वीक लिगेंड है, बट कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव पिरामिड शेप। स्टूडेंट अमंग दिस पिरामिड कौन है? पिरामिड स्टूडेंट पिरामिड मॉलिक्यूल कौन है? स्टूडेंट इतना तो पक्का है बच्चों ये NH3 है। स्टूडेंट NH3 के ऊपर थ्री बॉन्ड वन लोन पेयर और PCl3, बच्चों PCl3 पे भी थ्री बॉन्ड वन लोन पेयर और स्टूडेंट XCO3, ये XCO3 स्टूडेंट जिनोन है, जिनोन। स्टूडेंट इनर्ट गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट होते हैं, सिक्स यूज एक लोन पेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ऑल दीज आर sp3, स्टूडेंट ऑल दीज आर sp3 विथ वन लोन पेयर सो दे आर पिरामिड। अब बच्चों दो मॉलिक्यूल और बना रहा हूं, ये क्या स्टूडेंट यहां पर भी लोन पेयर है क्या? बच्चों चैट बॉक्स में आंसर दो, क्या ये जो दो आयन लिए हैं क्या स्टूडेंट यहां पे भी लोन पेयर है? बच्चों इन दो एग्जाम्पल में भी लोन पेयर है? यस अमृता एम डी। स्टूडेंट हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है, बच्चों हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है, फाइव यूज एक लोन पेयर है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स है, फोर यूज लोन पेयर है। ऑल दीज आर sp3, तो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर फाइव। दीज फाइव मॉलिक्यूल आर यस। अब स्टूडेंट ये जो BCl3 है, बच्चों ये BCl3 है, ये sp2 है और परफेक्ट प्लेनर है, और स्टूडेंट ये SO3 भी sp2 है। स्टूडेंट ये दोनों sp2 है। कोई चैट बॉक्स में बच्चों आंसर लिखो, शेप ऑफ ClF3। यस स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर लिखे शेप ऑफ ClF3, शेप ऑफ ClF3। बच्चों ClF3 कैसा है? ClF3 स्टूडेंट प्लेनर के पिरामिड के टी शेप। बच्चों ClF3 की शेप कैसी? प्लेनर पिरामिड के टी शेप। यस यस बच्चों टी शेप होगा, प्लेनर नहीं होगा बच्चों, टी होगा। स्टूडेंट इस सीएल के ऊपर दो लोन पेयर है, थ्री फोर फाइव। बच्चों ये सीएल एफ थ्री एस पी थ्री डी है और एस पी थ्री डी विथ थ्री टू लोन पेयर, तो स्टूडेंट ये टी बन रहा है, सीएल एफ थ्री बच्चों टी शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं बच्चों, थोड़ा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हार्ड है। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कार्बन रिडक्शन। बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एम डी चित्रांशी यस। बच्चों कार्बन रिडक्शन, स्टूडेंट कार्बन गुड आरे होता है, बच्चों कार्बन गुड आरे, कार्बन गुड आरे फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड। बच्चों कार्बन गुड आरे फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड। वेरी गुड हर्षित प्रिया, वेरी गुड। बच्चों एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम स्टूडेंट, बच्चों ये सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे, बट स्टूडेंट अगर आप आपका टारगेट नीट 22 है तो बच्चों आपको इतना बेसिक आना चाहिए। आप लोग 11th 12th में बच्चों मेटलर्जी वगैरह टॉपिक आइडिया है। स्टूडेंट आप लोगों को याद है ये एल्यूमिना है, इस एल्यूमिना से Al बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता है, फ्यूज एल्यूमिना से बच्चों Al इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। स्टूडेंट दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। स्टूडेंट यहाँ रिड्यूसिंग कार्बन रिडक्शन नहीं है, कोई बताएगा बच्चों फ्यूज एल्यूमिना के साथ एडिशनल सब्सटेंस क्या लोगे? बच्चों चैट बॉक्स में आंसर लिखें,
फ्यूज एल्यूमिना के साथ एडिशनल सब्सटेंस, बच्चों फ्यूज एल्यूमिना के साथ एडिशनल सब्सटेंस, यस एसपी प्रिया, यस बच्चों अर्चना, स्टूडेंट यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आपने सुना हो या क्रायोलाइट ऐड करते हैं और फ्लोर स्पार ऐड करते हैं बच्चों, क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, बच्चों क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपके पास कंपाउंड है बच्चों निकल का, पीटी और पीडी, स्टूडेंट एनआई पीडी और पीटी, बच्चों एनआई पीडी और पीटी, स्टूडेंट इन सभी कंपाउंड में क्लोरो लिगेंड है बच्चों, इन सभी कंपाउंड में क्लोरो लिगेंड है, क्लोरो बच्चों इन सभी कंपाउंड में क्लोरो लिगेंड है, और स्टूडेंट आप जानते हो क्लोरो वीक लिगेंड है बच्चों, क्लोरो वीक लिगेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों स्टूडेंट, क्लोरो वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर, यस बच्चों कुछ स्टूडेंट ने अभी भी रॉन्ग दिया है बच्चों, हर्षित आंसर बी नहीं होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। एक्चुअली बच्चों ये वाला कंपाउंड तो sp3 है, और वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पीडी और पीटी के कंपाउंड इनर ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, पीडी और पीटी के कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट इनर ऑर्बिटल, दे आर dsp2 लो स्पिन होंगे बच्चों, ये दोनों तो होंगे लो स्पिन, और निकल वाला होगा बच्चों हाई स्पिन। स्टूडेंट पीडी और पीटी, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी एंड पीटी आर इनर ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, स्टूडेंट ये वीक लिगेंड है फिर भी ये इनर ऑर्बिटल है। व्हाइट बॉक्साइट बच्चों, व्हाइट बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइट बॉक्साइट कंसंट्रेटेड बाई स्टूडेंट, ये जो सरपैक प्रोसेस होता है बच्चों, सरपैक प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट के लिए करते हैं, व्हाइट बॉक्साइट में बच्चों सिलिका की इंप्योरिटी होती है, और स्टूडेंट ये दोनों प्रोसेस बच्चों ये और ये रेड बॉक्साइट के लिए करते हैं, किसके लिए, रेड बॉक्साइट। चैट बॉक्स में बच्चों आंसर दो, रेड बॉक्साइट में किसकी इंप्योरिटी होगी, वैसे बच्चों बॉक्साइट और बॉक्स पर्टिकुलर व्हाइट पूछा है बच्चों, जो रेड बॉक्साइट होता है स्टूडेंट उसमें बच्चों Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है बच्चों, इसमें इंप्योरिटी किसकी होती है, Fe2O3 की। ओके अब स्टूडेंट एक आंसर देना, इन सरपैक प्रोसेस बॉक्साइट और हीटेड विथ, बच्चों चैट बॉक्स में लिखो, इन सरपैक प्रोसेस बॉक्साइट और हीटेड विथ कोक एंड N2, बच्चों एक कंपाउंड बनता है स्टूडेंट, कोक लेते ही ये मेटल फ्री हो गया बच्चों, कोक लेते ही मेटल फ्री हो गया, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन मिलकर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएंगे स्टूडेंट, इन सरपैक प्रोसेस कोक और ये ऐसा हुआ। ओके चलिए अब स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, स्टूडेंट ये मेरे पास लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रूबिडियम सीजियम, बच्चों सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर मोर विग्रसली, बच्चों डाउन द ग्रुप जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वाई सोडियम पोटेशियम बच्चों मोर रिएक्टिव, बच्चों चैट बॉक्स में आंसर लिखो, वाई सोडियम पोटेशियम मोर रिएक्टिव, यस क्या सोडियम पोटेशियम है हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बच्चों सोडियम पोटेशियम है हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, नो बच्चों साइज जितनी स्मॉल होती है, लिथियम सोडियम पोटेशियम बच्चों जितना साइज स्मॉल उतना हाइड्रेशन मोर होगा, ये बात तो रॉन्ग है। क्या सोडियम पोटेशियम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्या बच्चों सोडियम पोटेशियम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, डाउन द ग्रुप गयो साइज इंक्रीज मेटलिक बॉन्ड वीक होगा बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज मेटलिक बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. बच्चों सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ BiCl3. बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ BiCl3 स्टूडेंट BiCl3 का हाइड्रोलाइसिस. स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, अगर PCl3 लेते हो बच्चों PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H3PO3 और HCl बनता है, बट बच्चों BiCl3 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा. बच्चों वेरी गुड स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर BiOCl बनेगा. बच्चों ये डायरेक्ट याद रखना है BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड. बच्चों बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बनेगा. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हिट एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड कैसे बनेगा. बच्चों एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड कैसे बनेगा. बच्चों सबसे पहले तो फेरिक्लोराइड FeCl3 है और आपको स्टूडेंट एनहाइड्रस बनाना है, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए. बच्चों स्टूडेंट एनहाइड्रस FeCl3 जिसमें वाटर नहीं हो. यस गुप्ता प्रिया स्टूडेंट मुझे बताओ हीटिंग हाइड्रेटेड स्टूडेंट ये कंपाउंड है. बच्चों इस कंपाउंड को हीट करोगे तो ये एनहाइड्रस हो जाता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये कंपाउंड हीट करोगे स्टूडेंट अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट ये कंपाउंड जो है बच्चों ये कोवलेंट है. अगर सैंपल कोवलेंट है बच्चों ये सैंपल कोवलेंट है तो यहाँ का आंसर MO बनेगा. बच्चों सैंपल कोवलेंट है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो बच्चों फर्स्ट आंसर तो रॉन्ग हो गया. स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ मेटेलिक आयरन विद स्टूडेंट एक बात बताओ ये Fe2O3 है और ये HCl है. स्टूडेंट ये एसिड है ये बेस है, एसिड प्लस बेस बच्चों साल्ट और वाटर बना. स्टूडेंट इस रिएक्शन में FeCl3 बना, बट बच्चों आपको एनहाइड्रस चाहिए. स्टूडेंट क्वेश्चन में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है. स्टूडेंट एनहाइड्रस चाहिए वाटर एब्सेंट, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये भी रॉन्ग एक्वस रॉन्ग है. और स्टूडेंट इसमें मेटल प्लस HCl, बच्चों ये मेटल है और ये HCl है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी FeCl3 बना, बट बच्चों एक्वस गड़बड़ है ये गलत है. तो स्टूडेंट ये मेरे पास Fe और ये Cl2, और बच्चों Cl2 भी कैसा है ड्राई Cl2, तो स्टूडेंट Fe प्लस Cl2 FeCl3. स्टूडेंट ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके कंसेप्ट और नीट में बेस्ट रैंक दिलाते हैं. स्टूडेंट आज की क्विज में थोड़े क्वेश्चन हार्ड है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट H3PO3 एंड H3PO4. बच्चों H3PO3 H3PO4 स्टूडेंट एक बात बताओ HClO HClO2 HClO3 HClO4 वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये सारे एसिड मोनोबेसिक एसिड है. बच्चों ये सारे एसिड मोनोबेसिक एसिड. अब बच्चों आंसर दो H3PO2 H3PO3 H3PO4 क्या बच्चों सभी जगह हाइड्रोजन 3, क्या ऑल आर ट्राई बेसिक. रुद्रा बच्चों सभी जगह हाइड्रोजन 3 है H3 H3 H3, क्या ऑल दीज आर ट्राई बेसिक. बच्चों सेशन को लाइक एंड शेयर करें. चंद्रेश रुद्रा मिश्रा यस. अब बच्चों मुझे बताओ क्या होगा स्टूडेंट मैं H3PO3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं. बच्चों स्टूडेंट इतना तो पक्का जो भी फास्फोरस के एसिड है बच्चों फास्फोरस के एसिड में ऑलवेज PO बॉन्ड होगा. बच्चों फास्फोरस के एसिड में और स्टूडेंट आप लोगों ने कभी सुना हो बच्चों ये होता है मोनोबेसिक, ये होता है डाई बेसिक और ये होता है ट्राई बेसिक. और स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये, और स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर मैं ये बना रहा हूं ये.
तो स्टूडेंट इतना तो पक्का हो गया बच्चों, H3PO3। स्टूडेंट H3PO3 कैसा है बच्चों? H3PO3 में दो OH ग्रुप है बच्चों, दो OH ग्रुप है। तो स्टूडेंट इतना तो पक्का, डाई बेसिक बात तो ठीक है बच्चों। डाई बेसिक के साथ क्या लगाओगे बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग क्या रिड्यूसिंग? स्टूडेंट जिस एसिड में पीएच बॉन्ड होता है बच्चों, जिस एसिड में पीएच बॉन्ड होता है उसको अपन बच्चों रिड्यूसिंग कहते हैं। आंसर स्टूडेंट फर्स्ट होगा। स्टूडेंट ये आंसर कैसा है बच्चों? H3PO4 डाई बेसिक, गलत बात बच्चों। H3PO4 में तीन OH है तो ट्राई बेसिक ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों रिड्यूसिंग नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? रिड्यूसिंग एसिड वो होते हैं जिनमें पीएच बॉन्ड होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एसिड वो होते हैं जिनमें पीएच बॉन्ड होता है, पीएच बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एक तरह का नीट का PYQ है बच्चों, ये नीट का PYQ है, पहले भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बच्चों, सेलेक्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने बच्चों बैक बॉन्डिंग वर्ड सुना हो, स्टूडेंट आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग वर्ड सुना, पीपाई बैक बॉन्डिंग, पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग बच्चों, पीपाई बैक बॉन्डिंग, पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, CH3 होल थ्राइथ N और बच्चों SiH3 होल थ्राइथ N, क्या स्टूडेंट दीज टू मॉलिक्यूल, स्टूडेंट ये नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर 3 alkyl ग्रुप है बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर 3 alkyl एक लोन पेयर है स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी 3 ग्रुप है, बट ये ग्रुप बच्चों सिलाइल ग्रुप है, SiH3 है। ओके अब स्टूडेंट आंसर दो, क्या बोथ आर sp3 बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कंपाउंड रिस्पेक्टिवली बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज टू रिस्पेक्टिवली। बच्चों सेशन को जरूर लाइक करें, सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर। यस स्टूडेंट बोथ आर sp3, नो रिजवान गलत आंसर लिखा है। स्टूडेंट यहां का लोन पेयर कार्बन के पास बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा बच्चों, अगर आपको याद हो यहां का लोन पेयर सिलिकन के पास वैकेंट डी है बच्चों, सिलिकन के पास वैकेंट डी है, ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों यहां नो बैक बॉन्डिंग, दिस इज sp3, दिस इज sp2। तो स्टूडेंट आंसर दो, ये मॉलिक्यूल बच्चों पिरामिड है और ये मॉलिक्यूल स्टूडेंट प्लेनर है बच्चों, वन इज पिरामिड अनोदर इज प्लेनर। ओके यस, और स्टूडेंट अब अपने पास ये क्वेश्चन है बच्चों, अब अपने पास ये क्वेश्चन है SiH3 N(C)O। स्टूडेंट आंसर दीजिए बच्चों, ये नाइट्रोजन है, क्या स्टूडेंट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बच्चों? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यूज हो गए, एक लोन पेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये लोन पेयर सिलिकन के पास जाएगा, तो क्या स्टूडेंट इसका पी बच्चों, इस क्या स्टूडेंट आंसर ये होगा क्या, क्या बच्चों नाइट्रोजन के पास कभी डी है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इस सिलिकन के पास तो वैकेंट डी बच्चों, सिलिकन का डी और नाइट्रोजन का पी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड रॉन्ग बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा बच्चों। क्वेश्चन क्लियर हुआ प्रिया? क्वेश्चन क्लियर? ओके यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये अपने पास, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट क्या लेंथेनॉइड ऑक्साइड आर बेसिक?
बच्चों लेंथेनोइड है ना, मेटल होते हैं। स्टूडेंट चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों लेंथेनोइड है ना, मेटल होते हैं और मेटल के कंपाउंड बेसिक है, ये बात ठीक है। क्या बच्चों प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव? बच्चों प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है बट एक्टिनोइड नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रोमीथियम लेंथेनोइड है। स्टूडेंट अगर कभी आपने सुना हो बच्चों प्रोमीथियम लेंथेनोइड होता है। बच्चों प्रोमीथियम सिंथेटिक लेंथेनोइड। स्टूडेंट ये अपने पास लेंथेनोइड सीरीज, बच्चों लेंथेनोइड सीरीज में ओनली प्रोमीथियम सिंथेटिक है। बच्चों लेंथेनोइड सीरीज में ओनली प्रोमीथियम सिंथेटिक है, ओके। चलिए स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर, बच्चों जानते हो बॉन्ड ऑर्डर किसका? बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर विशाल सर 470 मार्क्स आ रहे हैं राजस्थान में, कॉलेज मिल सकता है क्या? यस बच्चों विशाल थोड़ा सा नंबर कम है, यस थोड़े से मार्क्स कम है, अभी 500 के ऊपर जाएगा बच्चों तुम्हारी कैटेगरी में, यस। अब स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर, स्टूडेंट एक बात याद रखना बच्चों, 14 जो होता है 14, 15, 16, 17, 18, 13, 11, 13, 12, 11, 10। स्टूडेंट 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर 0.5 से बच्चों चेंज कर लो। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर? बच्चों 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता, फिर 0.5 से 3, 2.5, 1, बच्चों 2, 1.5 और 1, और बच्चों इसका 2.5, ये 2 और ये 1.5, ओके। अब स्टूडेंट मुझे आंसर दो, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? बच्चों नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। कार्बन के पास बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के 6, दो कार्बन के 12, बच्चों 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2। अब स्टूडेंट आंसर दो, O2 माइनस, स्टूडेंट ऑक्सीजन के 8, दो ऑक्सीजन के 16, एक और गेन किया 17, बच्चों 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और स्टूडेंट इसका 0.5। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड मिश्रा। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर? बच्चों क्वेश्चन क्लियर तो थम्स अप करें। एक्चुअली स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का ये बेस्ट वे, बच्चों 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर 0.5 से चेंज कर लो बच्चों, ये 3 फिर 0.5। बच्चों 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर 0.5 से चेंज करना है स्टूडेंट, 3, 2.5, 2, 1.5, बच्चों 3, 2.5, 2, 1.5, ओके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट एक क्वेश्चन पढ़ो, गैस ऑब्टेन बाय रोस्टिंग सल्फाइड ओर। बच्चों आपके पास कोई सल्फाइड ओर है, उसको हीट किया है, रोस्टिंग की है, बच्चों बताओ रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में करते हो? स्टूडेंट आप लोगों ने सुना रोस्टिंग कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बच्चों रोस्टिंग कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बनेगा बच्चों जब भी रोस्टिंग करेंगे? बच्चों PbO प्लस SO2। अब स्टूडेंट इस गैस को अपन ने पास किया है, बच्चों दिस गैस पास इनटू डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड एक्स फॉर्म। बच्चों ये मेरे पास डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। स्टूडेंट इसके अंदर SO2 पास करोगे, बच्चों इसके अंदर SO2 पास करोगे। आप लोगों ने सुना बच्चों डाइक्रोमेट गुड ऑक्सीडेंट है, बच्चों डाइक्रोमेट गुड ऑक्सीडेंट, SO2 को SO3 में भेजेगा और सॉल्यूशन का ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाएगा। बच्चों ये चीज आपने कभी सुनी हो? स्टूडेंट डाइक्रोमेट गुड ऑक्सीडेंट होता है, बच्चों केमिस्ट्री में डाइक्रोमेट और KMnO4 गुड ऑक्सीडेंट होते हैं, डाइक्रोमेट एंड KMnO4 गुड ऑक्सीडेंट और सॉल्यूशन का ऑरेंज कलर ग्रीन। बाय द वे बच्चों मैं यहां पर एसिडिक KMnO4 लू, क्या कोई चैट बॉक्स में आंसर देगा? बच्चों एसिडिक KMnO4 और चैट बॉक्स में आंसर लिखो बच्चों।
यस प्रिया मिश्रा एसजीएन चित्रांश यस बच्चों एसिडिक KMnO4 वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों K2Cr2O7 एंड KMnO4 स्टूडेंट बोथ आर ऑक्सीडेंट बच्चों ये दोनों ऑक्सीडेंट हैं अगेन SO2 SO3 में कन्वर्ट बच्चों क्या बनेगा यस बच्चों क्या बनेगा स्टूडेंट इस बार पर्पल कलर डीकलराइज होगा बच्चों आपने सुना हो पर्पल कलर डीकलराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Mn+2 पर्पल कलर बच्चों डीकलराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Mn+2 ओके चलिए स्टूडेंट डाइबोरेन रिएक्ट विद अमोनिया बच्चों ये NCERT में क्वेश्चन दिया डाइबोरेन रिएक्ट विद अमोनिया बच्चों डाइबोरेन रिएक्ट विद अमोनिया क्या बनेगा स्टूडेंट ये B2H6 है और ये अमोनिया है बच्चों B2H6 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा ये स्टार क्वेश्चन है बच्चों NCERT में गिवन है B2H6 प्लस अमोनिया तो बच्चों B2H6.2NH3 बच्चों ये जो कंपाउंड है ना दिस कंपाउंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ये है सी है और बच्चों ये जो कंपाउंड है एक तरह से आयनिक कंपाउंड है बच्चों इस कंपाउंड को ऐसे लिखते BH2NH3 होल ट्वाइज प्लस BH4- बच्चों दिस कंपाउंड इज आयोनिक इन नेचर NCERT में भी बच्चों गिवन है दिस इज आयोनिक इन नेचर कोई बताएगा बच्चों कैटायन एंड एनायन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बच्चों कैटायन एंड एनायन स्टूडेंट इस बोरोन के ऊपर 4 बॉन्ड है तो बच्चों ये sp3 है और इस बोरोन पे भी 4 बॉन्ड है sp3 है और किसी बच्चे ने सुना हो इस कंपाउंड को हीट करोगे तो बच्चों बहुत बढ़िया कंपाउंड इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है स्टूडेंट व्हेन दिस कंपाउंड हीटेड इनऑर्गेनिक बेंजीन बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन आप लोगों ने सुना हो बच्चों B3N3H6 स्टूडेंट कल मेरी मॉर्निंग में बच्चों 7:45 PM पर बच्चों कल 7:45 AM पर बच्चों 7:45 AM पर बच्चों अन अकेडमी पर क्लास है अन अकेडमी पर जिसमें बच्चों मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस प्रैक्टिस सेशन होगा कल मॉर्निंग में 7:45 AM और बच्चों कल यूट्यूब पर भी क्लास हो सकती है 12 PM पर बच्चों कल यूट्यूब पर भी क्लास हो सकती है 12 PM पर तो स्टूडेंट एक सबसे पहले शारदा सर बच्चों टेलीग्राम वगैरह भी ज्वाइन करें बच्चों शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओके यस स्टूडेंट अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट लिथियम हाइड्राइड है बच्चों लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बच्चों ये मेरे पास लिथियम हाइड्राइड है इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया बच्चों एक कॉम्प्लेक्स बनाए स्टूडेंट ये क्वेश्चन अच्छी तरह से करो स्टूडेंट लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ दिस बच्चों इन दोनों की रिएक्शन हुई एक वेल नोन कंपाउंड बनता है बच्चों कभी आप लोगों ने सुना हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों ये कंपाउंड ऑर्गेनिक में फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्टूडेंट ये कंपाउंड ऑर्गेनिक में फ्रिक्वेंटली यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अब स्टूडेंट मैंने आपको हिंट दे दिया बच्चों ये कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो बच्चों इसका शेप कैसा होगा बच्चों स्टूडेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टूडेंट इसको ब्रेक करोगे तो Li+AlH4- तो स्टूडेंट इस एल्यूमिनियम के ऊपर 4 बॉन्ड है बच्चों एल्यूमिनियम के ऊपर 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल है और हाइड्राइड लिगेंड होगा बच्चों क्लोराइड लिगेंड नहीं है स्टूडेंट इसमें लिगेंड कौन सा है हाइड्राइड स्टूडेंट इसमें H- डोनर है बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट इतना तो कंफर्म है बच्चों इसमें लिगेंड कौन है क्लोराइड नहीं है ओनली हाइड्राइड है
यस यस स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई, बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी का इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट आप लोगों को याद है बच्चों, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, स्टूडेंट इन दोनों में गड़बड़ होती है बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, बच्चों गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, दिस इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन। और स्टूडेंट ये कार्बन है बच्चों, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम SnPb। स्टूडेंट डाउन द ग्रुप आई डिक्रीज, बट आई ऑफ पीबी, बच्चों आई ऑफ पीबी ग्रेटर देन SN, बच्चों आई ऑफ पीबी ग्रेटर देन SN, दिस इज ड्यू टू अगेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, बच्चों दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। स्टूडेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, बच्चों इसके लिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन, इसके लिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। अब बच्चों एक बात बताओ, एनआई और पीडी, एक्चुअली बच्चों पीडी का फॉर्मूला 4D10 5S0 है, बच्चों पीडी का फॉर्मूला 4D10 5S0, बच्चों ये D10 स्टेबल है तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पीडी आगे आएगा। स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, एनआई पीडी और पीटी, बच्चों 3D 4D और 5D, सबसे ज्यादा तो बच्चों 5D है। स्टूडेंट CuAgAu, बच्चों 5D सबसे आगे है, बट स्टूडेंट इन दो में थोड़ी गड़बड़ है बच्चों, पीडी का फॉर्मूला स्टेबल है, स्टूडेंट पीडी का फॉर्मूला है ना बच्चों स्टेबल है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ओके चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन करेक्ट करना, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसका स्टूडेंट, आज के सेशन के सारे क्वेश्चन बच्चों थोड़े मोस्ट एक्सपेक्टेड जो नीट में बच्चों अपन को मिल सकते हैं क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन बच्चों अच्छे लेवल के हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, वेरी गुड MD सिजेन, यस स्टूडेंट आप मुझे बताओ ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम, बच्चों ये कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम। स्टूडेंट बेरिलियम स्मॉल है बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, अगर ये स्मॉल है बच्चों जितना स्मॉल है स्मॉल साइज का हाइड्रेशन मोर होता है, बच्चों पॉइंट क्लियर, स्मॉल साइज का हाइड्रेशन मोर होता है। स्टूडेंट जो ट्रेंड हाइड्रेशन का बच्चों, ये हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर ऐसा हो जाता है, हाइड्रेटेड साइज। स्टूडेंट जितनी साइज स्मॉल होती है बच्चों, एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी मोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये NCERT में मेटलर्जी टॉपिक में दी हुई। स्टूडेंट आप लोगों ने किसी ने सुना हो सेल्फ रिडक्शन, बच्चों सेल्फ रिडक्शन ऑटो रिडक्शन, बट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये कॉपर मेट है स्टूडेंट, दिस इज कॉपर मेट, बच्चों दिस कॉपर मेट हीटेड विथ O2 एंड सेंड, तो बच्चों ब्लिस्टर कॉपर बनता है। स्टूडेंट आप लोगों को ने वर्ड सुना बच्चों ब्लिस्टर कॉपर, ये कॉपर मेट हीटेड विथ O2 एंड सेंड, बच्चों ब्लिस्टर कॉपर बनता है, ब्लिस्टर कॉपर। स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर लिखो बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंड, बच्चों सेंड का क्या रोल है, चैट बॉक्स में आंसर लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंड। यस बच्चों, यस स्टूडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंड। स्टूडेंट आप लोगों के आंसर करेक्ट नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर ए। स्टूडेंट ये कॉपर मिला बच्चों, ये कॉपर मिला, क्या यहाँ कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया,
बच्चों इस रिएक्शन में कॉपर मिला, अपन ने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। बच्चों नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, स्टूडेंट नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, सो दिस इज सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर लिखो, रोल ऑफ सेंड क्या है? बच्चों सेंड का रोल, रोल ऑफ सेंड, बच्चों सेंड जो मिलाया है वो फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। अब स्टूडेंट मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूं, बच्चों FeS प्लस O2 क्या बनेगा? बच्चों चैट बॉक्स में आंसर दो, FeS प्लस O2, बच्चों FeS प्लस O2। स्टूडेंट O2 लेते ही बच्चों ये FeO प्लस SO2 बन गया, और ये FeO अब बच्चों सेंड के साथ रिएक्ट करेगा, सेंड बच्चों सिलिका है, FeO प्लस सेंड। स्टूडेंट आप लोगों ने सुना हो बच्चों स्लैग, स्टूडेंट याद आया वर्ड, फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी, बच्चों फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी स्लैग बनता है। बच्चों सेशन को लाइक जरूर करें, सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर करें और थोड़ा रेगुलर अटेंड करें बच्चों। स्टूडेंट थोड़ी मेरे को रेगुलर फॉलो करें बच्चों अन अकेडमी पर, रेगुलर बच्चों फॉलो करेंगे कम से कम वन मंथ तो आपका इनऑर्गेनिक बच्चों परफेक्ट हो जाएगा। वन मंथ बच्चों मिनिमम रेगुलर फॉलो करना है। अब स्टूडेंट दूसरा कंपोनेंट अपने पास Cu2S है, बच्चों दूसरा कंपोनेंट Cu2S है। अब बच्चों आंसर क्या बनेगा? Cu2S plus O2, बच्चों Cu2S plus O2, Cu2O plus SO2। अब बच्चों Cu2O plus Cu2S, क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन बच्चों सेल्फ रिडक्शन? और स्टूडेंट आप लोगों ने वर्ड सुना हो बच्चों ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म, क्या बच्चों वर्ड मालूम है ब्लिस्टर कॉपर? बच्चों ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर की सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर बनते हैं। क्या स्टूडेंट इस रिएक्शन में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन पॉसिबल इन बेसेमर कन्वर्टर, नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, बच्चों नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड। ओके यस, स्टूडेंट अगेन स्टार क्वेश्चन है बच्चों, लेविस एसिड करेक्टर का ऑर्डर, बच्चों ये क्वेश्चन सही करना, बस एक दो मिनट और लेंगे और सेशन को अवर कर रहे हैं बच्चों। लेविस एसिड करेक्टर, बच्चों लेविस एसिड करेक्टर, एक्चुअली स्टूडेंट लेविस एसिड करेक्टर क्या होता है? स्टूडेंट BF3, बच्चों ये BF3 है, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इन दिस डायरेक्शन बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज, बच्चों इन दिस डायरेक्शन बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेज, देयरफॉर लेविस एसिड करेक्टर इंक्रीजेज। स्टूडेंट आप लोगों ने कभी सुना हो BF3 में बच्चों इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है, स्टूडेंट BF3 में बच्चों इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डेफिशिएंसी कंपनसेट, बच्चों ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डेफिशिएंसी बच्चों कंपनसेट। ओके यस, स्टूडेंट आज बच्चों, स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट, आज 10:45 PM पर, बच्चों आज 10:45 PM पर मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है, 10:45 PM पर बच्चों अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास, जिसमें अपन स्टूडेंट एमसीक्यू करेंगे बच्चों, एमसीक्यू ऑन आयनिक बॉन्ड, एमसीक्यू ऑन आयनिक बॉन्ड। ओके एमसीक्यू ऑन आयनिक बॉन्ड बच्चों, ये तो टुडे, ये तो टुडे, और कल संडे को बच्चों, कल संडे को 7:45 AM पर कोऑर्डिनेशन का एमसीक्यू, बच्चों ये दोनों क्लास अनअकैडमी पर है। ओके यस, तो स्टूडेंट थोड़े दिन रेगुलर फॉलो करिए बच्चों, थोड़े दिन रेगुलर फॉलो करिए। ओके सेशन को लाइक एंड शेयर, बच्चों सेशन को अब अवर कर रहे हैं, सेशन को अभी अवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज की मेगा क्विज में अपन ने अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों, आज की मेगा क्विज में अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन बच्चों अपन ने डिस्कस किए हैं। ओके सर एक मेटलर्जी करवा दो, यस एमडी सारे टॉपिक कवर करेंगे,
थोड़ा पेशेंस रखना। एमडी सारे टॉपिक कंप्लीट इनऑर्गेनिक अपन 3-4 मंथ में कवर कर लेंगे बच्चों। अभी स्टूडेंट अपन 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों अभी 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक कर रहे हैं यूट्यूब पर और केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं बच्चों उस पर। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यस, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट सेम? स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट बच्चों, कलर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज ऑरेंज। बच्चों ये बात गलत है, कलर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ऑरेंज नहीं बच्चों, क्रोमेट येलो होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है। ओके यस, इस क्वेश्चन का आंसर 3rd इनकरेक्ट पूछा है। स्टूडेंट सेशन को ओवर करते हैं आज नाइट को बच्चों 10:45 PM पर, 10:45 PM यस, जिसमें MCQ ऑन आयनिक बॉन्ड, 10:45 PM बच्चों MCQ ऑन आयनिक बॉन्ड, और संडे मॉर्निंग 7:45 पर बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के MCQ। ये 2 MCQ प्रैक्टिस सेशन बच्चों अपन करेंगे आज और कल। ओके अभी स्टूडेंट मैं सेशन को ओवर कर रहा हूं।